सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एजुकेटर यानी कि पीई एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है यश और आप आ चुके अपने फेवरेट चैनल पे। दोस्तों तो हमने पिछले वीडियो में हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का चैप्टर किया था, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जिन्होंने उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे वो भी उधर जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मैंने डाली हुई है। दोस्तों जो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीई के बुक में और काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी ट्रिकी चैप्टर है, ठीक है। मतलब उसमें दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ेगा, ऐसा चैप्टर है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को छोड़िएगा मत, क्योंकि मैं ऐसे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा इस चैप्टर को कि यार आपको उस वो चैप्टर आपके दिमाग में घुस जाएगा। और जो चैप्टर जो इतना सारा जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ पहली बार, उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। पूरा लेक्चर हिंदी में होने वाला है तो नो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और साथ ही मैं इस वे में आपको पढ़ा दूंगा कि पक्का पक्का जो बायो के स्टूडेंट्स नहीं है उनके दिमाग में एकदम इजीली घुस जाएगा, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में उतना ही जाऊँगा, उसके डिटेल में मैं आगे नहीं जाऊँगा। फिर आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज आएंगे जिसके कारण आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट्स आए वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, डिस्क्रिप्शन में क्या सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले शुरू करने से पहले मैं बता दूं मैंने इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मैंने इस चैप्टर को 7 वीडियोस में डिवाइड किया है। आपको 7 वीडियोस में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आपको ईजी रहेगा, क्योंकि मैं एक साथ समझाता रहूँगा ना आप भी पकने लग जाओगे। अगर एक एक करके वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में भी घुसता रहेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो डेफिनेशन के ऊपर होगा, पूरा एकदम मतलब इंट्रोडक्शन होगा टाइप चैप्टर का, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस करने जा रहे हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम तीसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। चौथे लेक्चर में हम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। पांचवें में हम पढ़ेंगे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये पढ़ेंगे। सिक्स लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम। और लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन डेप्थ और सेकेंड विंड, ठीक है। ये हमारे 7 लेक्चर होंगे जिसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और 8वां वीडियो जो हमारा आएगा वो क्वेश्चन आंसर सीरीज के ऊपर होगा, ठीक है। लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट होगी, प्लीज़ उसको सुन के जाइएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक भी पॉइंट आप मिस ना करिए, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें से ढूंढ के निकाल सकता है एग्जामिनर, क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी आएगी। तो पहले चलिए इस चैप्टर को समझते हैं अच्छे से। तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, पहले हम जानते हैं एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एनाटॉमी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ठीक है। एनाटॉमिक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इट इंक्लूड्स द अपीयरेंस एंड पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, ठीक है। ये अलग अलग अपीयरेंस अलग अलग पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमको बताता है, द मटीरियल्स फ्रॉम विच दे आर कंपोज, द लोकेशन एंड द रिलेशनशिप विद अदर पार्ट्स, ठीक है। तो एनाटॉमी मतलब क्या होता है, जैसे कि यार हमको बताता है कि इसका अपीयरेंस कैसा है, ये कौन सी पोजीशन पे है, इसका क्या फंक्शन है, ये किस लोकेशन पे बैठा हुआ है, ये किस से बना हुआ है और ये किस किस पार्ट से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप ले लो तो अपना ब्रेन ले लो, ओके। ब्रेन हमारा हेड से हेड पे है, ठीक है। लोकेशन हमारा हेड है, ठीक है। किससे किससे कंपोज होता है, मतलब बहुत सारे बोन से मिलके बना होता है, वो एक स्कल से प्रोटेक्टेड होता है। फिर उसका रिलेशन, वो आगे जाके ब्रेन जो है वो मेडुला एब्लोंगेटा बनाता है, एब्लोंगेटा के बनाने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब वेरियस पार्ट्स के जब हम लोग डेफिनेशन निकाले, उसके कंपोजिशन निकाले, उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, ठीक है, समझ आ गया। ऑलराइट, इतना तो टेंथ में पढ़ा ही हो गया, ठीक है। तो सेल्स, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन्स, फिर सिस्टम्स एंड देन बॉडी, ओके। सेल्स कंप्राइज टू फॉर्म टिश्यूज, मल्टीपल टिश्यूज कंप्राइज टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी, ओके। फर्दर वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी। अभी तो हमने जनरल एनाटॉमी की डेफिनेशन देखी थी, अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका साइज, उनका वेट, उनका लोकेशन के बारे में अगर आपको पता है, मतलब बताया जाता है, जिसकी आप स्टडी करते हो, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये देखिए, जैसे कि सारे पार्ट्स, ये आपको अभी नहीं करना, मैं आगे जाके जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा, ये सब फालतू है, ठीक है, इसको मत ध्यान दो, चलो ये आप भूल जाओ इसको, ठीक है। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, किसी जिसके बारे में हम स्टडी करें, जैसे कि स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, लोकेशन,
हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन के बारे में स्टडी करें, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अभी तो एनाटॉमी के बारे में हमने बात कर ली, अब फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, Physiology is the study of all system of human body and the mutual relationship। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, जैसे ये देखो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे मसल्स आ गए, ये सारी बोन्स आ गई, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये आपकी सारी नर्व्स आ गई, यानी कि कॉर्ड वो न्यूरॉन सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं ना आपके बॉडी में, इसकी स्टडी करना, स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स, वापस बोल रहा हूँ एक बार सारे देखना, न्यूरॉन सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम यानी कि बोन्स का पूरा स्केलेटन बोलते हैं इसको हम लोग, और इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो फिजियोलॉजी इन द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप। हर कोई एक दूसरे के बिना अधूरा है। ऑफकोर्स अगर देखो यहाँ पे मेरा ये स्केलेटन नहीं होता तो मेरा हार्ट किससे प्रोटेक्टेड होता? ठीक है, आराम से अगर मैं छाती में मारता तो मेरा हार्ट टूट जाता, मैं मर जाता। ठीक है, इसके लिए हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। इसके बिना हमारा डायफ्राम, हमारी जो लंग्स से नीचे होता है, जिसको नहीं पता डायफ्राम क्या होता है, हमारे लंग्स से नीचे होता है जो सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, वो अगर हम लोग ऐसे करें तो टूट जाता, फट जाता वो, तो अगर स्केलेटन नहीं होता तो हम लोग तो मर जाते सीधा। इसके लिए सब लोग एक दूसरे के बिना अधूरे है। ठीक है, अगर हार्ट नहीं होता तो ये बनते कैसे, इनके पास मैसेजेस कैसे आते, हार्ट नहीं होता तो न्यूरॉन सिस्टम के पास मैसेजेस कैसे आते, ब्रेन नहीं होता तो वगैरह वगैरह, तो सारे एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप में है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, एकदम इजी वे में समझ आ गया होगा, मैंने एकदम अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर इंटर रिलेटेड। अब इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, एनाटॉमी के बीच में और फिजियोलॉजी के बीच में क्या है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड, तो हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन देख ली, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन देख ली, अब इनकी इंपॉर्टेंस देखते हैं और इनकी रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज एसेंशियल टू नो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हमको क्यों पढ़ा रहे यार, ये चैप्टर क्यों दिया, बायो का चैप्टर पी में क्यों क्यों हम बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी की गई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट कैन बी इंप्रूव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एथलीट। एक बंदे की आप परफॉर्मेंस कैसे देखोगे, एक बंदे की आप परफॉर्मेंस कैसे देखोगे, उसके आपके अंदर उसके वो मतलब उसमें बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर वो बंदा सांस नहीं ले पा रहा अच्छे से, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो क्या वो सामने वाला जो उसका टेस्ट ले रहा है, जो उसको सिलेक्ट कर रहा है, क्या उसको सिलेक्ट करेगा? क्योंकि अगर उसने सिलेक्ट कर लिया और बाई चांस उसके साथ कोई भी हादसा हो गया, पूरी जिम्मेदारी उसकी उस पर आ जाएगी जिसने इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फिजिकल स्टडीज़ के जो फिजिकल टीचर्स बनते हैं उनको ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसके लिए हमको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एथलीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एथलीट। ठीक है, उससे उसकी एक्सरसाइज करने से उसकी कौन सी बॉडी को क्या क्या फर्क पड़ रहा है, उसी को हम लोग, इसके लिए हम लोग ये सब पढ़ते हैं। आगे हम देखें तो एनाटॉमी प्रोवाइड्स द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, एनाटॉमी हमको ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, एनाटॉमी ध्यान से समझो, टॉपिक को समझो एकदम, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमको एनाटॉमी की स्टडी करने से मिलता है। फिजियोलॉजी की स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी से हमको क्या मिलता है स्टडी नॉलेज, कि फंक्शन क्या है उस ऑर्गन का, एनाटॉमी से हमको स्ट्रक्चर पता चलता है। चलो मैं एक बार एग्जाम्पल देता हूँ, हार्ट समझ जाओ, हाँ ये हार्ट है, ठीक है ये हार्ट है। ठीक है, हमको एनाटॉमी से पता चला कि इसमें चार चैम्बर्स होते हैं, बन हमको तो पता ही नहीं चलता, हमको चार चैम्बर ही एनाटॉमी से पता चला। फिजियोलॉजी से इन चार चैम्बर का फंक्शन क्या है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इधर जाता है, फिर यहाँ से इधर लंग्स में जाता है, लंग्स से इधर आता है, फिर इधर से आता है, फिर इधर से हमारी बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, तो ये किससे पता चला हमको, फिजियोलॉजी से पता चला, और चार चैम्बर हमको किससे पता चला, एनाटॉमी से पता चला। ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर यार पता हुआ, टेंथ में पढ़ा है अपन ने, और इतना तो पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाता है। ठीक है, एकदम इजी एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल से बता दिया मैंने। ठीक है, हार्ट, तो हार्ट का ये स्ट्रक्चर चार चैम्बर, ये कैसे पता चला, एनाटॉमी के थ्रू। उसके फंक्शन क्या है कि यहाँ पे दोनों में डीऑक्सीजनेटेड आता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आता है, ये कैसे पता चला हमको, फिजियोलॉजी के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट में, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, बहुत काम करता है हमें स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बचाता है कि स्पोर्ट्स में इंजरीज ना हो। हेल्पफुल इन प्रोसेस ऑफ रिहैबिलेशन, ठीक है, हमको प्रोसेस में जो रिहैबिलेशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
नेक्स्ट पॉइंट हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, हमें ऑफकोर्स हमको स्पोर्ट्स सिलेक्ट करने का चांस मिलता है अगर हमको अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स हम भागम दौड़ वाला स्पोर्ट्स सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ऐसा स्पोर्ट्स सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें सांस ज़्यादा उठ लेना, ठीक है। हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग के वक्त भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कि आपकी फिजियोलॉजी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी कि आपकी बॉडी अगर सही से फंक्शन कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो मैं ट्रेनिंग में अभी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, थोड़ा ये डाइट चेंज करता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह, ओके। आगे हम बात कर रहे तो इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंटिन्यू हमारा, ठीक है। सेवन पॉइंट हेल्पफुल टू नो अबाउट केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑफकोर्स हमारी बॉडी में केमिकल दौड़ रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स दौड़ रहे हैं, वो केमिकल चेंजेस जो होते हैं एक्सरसाइज के थ्रू वो जानने में हमें बहुत मदद करता है, ठीक है। एट्थ पॉइंट हेल्पफुल टू नो अबाउट एनाटॉमिकल यानी कि ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन्स, डिफरेंसेस अमंग मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स में अंतर बताते हैं, यानी कि इंसानों में इंसानों क्या मर्दों में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका फंक्शन होता है, वाइल इन फीमेल्स इट ऑल्सो हेल्प फीमेल्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या हेल्प करता है, तो दोनों के डिफरेंसेस को हमको जानने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। जैसे कि एकदम ईजी आपको बता दूँ तो रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, मेल्स का अलग होता है और फीमेल्स का अलग रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ओके। नाइन्थ पॉइंट हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द स्पोर्ट्स पर्सन, यार आपको चोट लगी तो आपको पता चल रहना चाहिए कि यार आपको कहाँ लगी है, ठीक है, आपको अंदर लगी है, फिर उसके बारे में आपको प्रिवेंशन किया, अगर मैं यहाँ पे ये दवाई लगाऊंगा तो क्या मेरे को इससे कुछ इफेक्ट होगा, क्या मेरे को इससे कुछ नुकसान होगा या कुछ मेरे को फायदा होगा, ठीक है। टेंथ पॉइंट हेल्पफुल इन फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट, फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। इलेवेंथ पॉइंट हेल्पफुल इन स्पोर्ट्स मसाज, ऑफकोर्स कुछ लोग मसाज वगैरह भी करते हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में स्कोप भी है, मसाज का स्कोप भी है, ठीक है, तो यार वो मसाज मतलब उनको भी बहुत हेल्पफुल होता है कि यार इस पार्ट में इसका रिब है तो मैं इसको ज़्यादा दबा दूंगी तो ये टूट जाएगा, ठीक है, तो इसमें मतलब बहुत मदद करता है ये। ट्वेल्थ पॉइंट हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पर्सन, कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, कि पॉल्यूशन एरिया में रह रहा है, नॉन पॉल्यूशन एरिया में रह रहा है, डर्टी एरिया में रह रहा है, किचड़ वाले एरिया में रह रहा है, उसको वो उसके बारे में बताते कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये मेरी फिजियोलॉजी को बेकार कर सकता है, अगर मैं एकदम गंदे एकदम पॉल्यूशन वाले एरिया में रहूँगा तो मेरे सांस नाकों में वो गंदा धुआं जाएगा, जिसके कारण मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा तो मेरा लंग्स खराब होंगे, मेरे लंग्स खराब होंगे तो मेरे सांस लेने में और प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसके कारण मैं आगे स्पोर्ट्स में अपना ध्यान नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फॉर द केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, जैसे कि हमने कभी पढ़ा था, ये देखो ये पढ़ा था ना अपने पहला ही पॉइंट, सेवन्थ पॉइंट, इसके बारे में एक अलग सा बना दिया गया है, थोड़ा छोटा सा ही है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स एथलीट, ठीक है, जैसे कि यार आपको ब्लड कैंसर हो जाता है वगैरह वगैरह होता है, जो भी अस्थमा ये सब जो हार्ट की डिजीज होती है, डायलिसिस होती है, ठीक है, तो डायबिटीज़ होती है वगैरह, ये सब जो एक्सरसाइज जो बीमारियां होती है या केमिकल चेंजेस के थ्रू ही होती है। अब आपने मैसी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, मैसी को भी जैसे कि आपने देखा होगा उसको भी बहुत प्रॉब्लम आई थी, बीच में उसको बहुत सर्जरीज करवानी पड़ी थी, क्यों, बहुत भागता था, बहुत फुटबॉल में ध्यान था उसका, फुटबॉल उसका बहुत पैशन था, वो बहुत प्यार करता था फुटबॉल से, ठीक है, तो मतलब वो उसमें इतना भागम दौड़ किया कि उसकी हेल्थ जो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, यानी कि इतना स्टेबल नहीं कर पाई उसकी बॉडी की, यार मैं इतना झेल नहीं पाई उसकी बॉडी, तो उसको बीमारियां होने लगी, तो ये आपकी केमिकल चेंजेस होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, यही आपको ये चैप्टर में बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, आगे के हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, हम लोग टॉपिक ला रहे हैं हमारा अगला, जिसमें होगा हमारा फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, यानी कि बोन्स स्कल वगैरह, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, हमारे कौन से टाइप जॉइंट्स, यानी कि हमारे जो एल्बो वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यार दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग आगे का टॉपिक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनको भी ये चैप्टर पढ़ने में बहुत इंफॉर्मेशन आइडिया मिले, क्योंकि यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन डालता ही डालता है, 5 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, सब में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, उसके बाद में आपको एक बेल आइकन भी मिल जाएगा यार, उसको भी ठोक दीजिए, एकदम दबा के ठोक दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हमारे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों मैंने बोला था एक अनाउंसमेंट करूंगा मैं वीडियो के लास्ट में, वो अनाउंसमेंट ये है कि दोस्तों यार जैसे कि मैं इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स लाने वाला हूँ, और बाकी जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स बच गए जिसके क्वेश्चन आंसर सीरीज आनी बाकी है वो भी लाने वाला हूँ, तो दोस्तों मेरे को प्लीज़ बस एक बार कमेंट सेक्शन में हैशटैग करके ये कमेंट कर दो कि आपको कौन सा चाहिए, हैशटैग PPT फॉर्म में चाहिए या हैशटैग PDF फॉर्म में चाहिए।
ठीक है, ये दो ऑप्शन में से आपको ऊपर एक पुल भी आ गया होगा, उस पुल में भी आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए पीपीटी या पीडीएफ, ऊपर आई बटन में पुल आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार दोस्तों पीपीटी या पीडीएफ एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा आपको किस वे में चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो पीपीटी के फॉर्म में डाला हुआ है, एक वीडियो पीडीएफ के फॉर्म में डाला है, योगा मैंने पीडीएफ डाला है, टेस्ट एंड मेजरमेंट मैंने पीपीटी में डाला है, ठीक है। तो आपको किस वे में चाहिए आप लोग देख लीजिए, उन दोनों वीडियो को आराम से देख लीजिए, आपको कौन सा बेटर लगा है, मैं उसी वे में अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ कूल फ्यूचर।